आदि आदि रुकिए, आदि आदि नो, प्लीज रुकिए। आदि प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। प्लीज, मैं तुमसे पूछते पूछते थक गया। क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? पर नहीं, तुम्हें वही करना है जो तुम चाहती हो। आदि मैम, नहीं जानवी, सच तो यह है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि हम साथ में वक्त बिता पाए। मुझे लगा साथ में काम करेंगे, टाइम स्पेंड कर पाएंगे, पर नहीं। जब मेरा साथ पसंद ही नहीं है तो बोल दो ना, ये ड्रामा क्यों कर रही हो? मुझे आपकी परवाह नहीं है। आदि आप मुझसे नाराज हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। झूठ, मैं जीऊं या मरूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आदि आप जानते हैं, जो आप चाहते हैं मैं भी वही चाहती हूँ। हर वक्त हर पल आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आपको कोई खरोच आती है तो मुझे तकलीफ होती है, और आप पर आप ऐसा कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। I know, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए ना, क्योंकि मैं सबर के साथ काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं नहीं करूंगी उसके साथ काम। जो आप कहेंगे वैसा ही होगा, जैसा आप चाहते हैं सब वैसा ही होगा। आपको परेशान करने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ऐसा दोबारा मत कहना। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ना मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकता हूं, ना बच्चों के साथ, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पर तुम काम करोगी। तुमने सैम को कमिटमेंट दी है, मैं तुम्हें काम करने से नहीं रोकना चाहता। जानवी, आई एम सॉरी, पर मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मेरा यह मतलब नहीं था। सॉरी, पर एक शर्त पर काम करोगी तुम? अपनी आधी सैलरी तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। तुझ में ही खोना,
दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खो लेना, मर के भी वही तुझसे न मुड़ना। जानवी जी, इस वक्त आप यहाँ? वो मैं बाहर गजीबो में थी। हाँ, पर गजीबो में कुछ वक्त पहले मैं भी था। कैफे क्यों खुल रहा है? डिटेक्टिव एजेंसी खुल रही है। अभी गई थी। मैं एक्चुअली अभी गई थी, फिर वापस आ गई। वो बारिश हो रही थी ना, इसलिए। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। यार, इसके अंदर कोई अलार्म फिट है क्या? जब भी हम लोग साथ होते हैं टपक पड़ता है। प्लीज, इस सीबीआई के साथ एक महीने से ज्यादा काम मत करना प्लीज। चलो मैं आता हूं। कल मैं और आदि पूरा दिन साथ में थे। इस सब में मैं निशा से किया हुआ वादा तो भूल ही गई। राज और नेहा को कुछ कहना है, इसलिए हम सबको यहाँ पे बुलाया है। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा एकदम ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस मैं यही इंतजार कर रही थी कि कब तुम दोनों डॉक्टर के पास से हो आओ और मैं गोद भराई की तैयारी शुरू करूँ। जानवी, सबको हम निमंत्रण दे देंगे फोन करके। काकी माँ, मुझे पता है किस किस को इनवाइट करना है। मैं कर दूंगी, और बाकी की सारी तैयारियां भी करनी है ना। आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। नहीं निशा, गोद भराई के लिए बड़े ही आमंत्रण देते हैं। मैंने जानवी को कह दिया है, डायरी में मेरे सारे नंबर हैं। मैं खुद सबको फोन करके बुलाऊंगी। ठीक है, तो मैं बाकी सारी तैयारियां कर लेती हूँ। गोद भराई के फंक्शन के लिए जो सारी तैयारियां हैं, केटरर्स को बुलाना है, डेकोरेशन, और हमारे नए कपड़े भी तो बनेंगे सबके। आई एम सो एक्साइटेड। मैं मिठाई वाले को भी फोन करना है। मैं जाके काम शुरू करती हूँ। ओके माँ साहब, प्लीज रोकिए निशा को। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी गोद भराई का हिस्सा बने। इनफैक्ट गोद भराई से रिलेटेड सारी रस्में सिर्फ जानवी भाभी के हाथों होनी चाहिए। नेहा, निशा के घर में रहते हुए तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। आई नो, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि निशा जैसी औरत का साया मेरे बच्चे पर पड़े। प्लीज अंडरस्टैंड। एक काम करते हैं, क्यों ना आदि भाई निशा भाभी को फोन करके किसी काम से ऑफिस बुला लें। वो घर पर भी नहीं होगी और जानवी रस्में आराम से कर लेगी। ठीक है राज, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है।
गोद भराई के वक्त निशा घर पे नहीं होगी। थैंक यू भाई। चलो अच्छा है, यहाँ नेहा की गोद भराई हो जाएगी और वहां निशा को आदि के साथ वक्त मिल जाएगा। तो नेहा तुम नहीं चाहती कि निशा तुम्हारी गोद भराई पर आए? इतनी इंसल्ट, तुम मेरी इतनी इंसल्ट करोगी और मैं बर्दाश्त करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तुमने मेरी इंसल्ट की है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी नेहा। वो भी तुम्हारी गोद भराई पर, एज अ गिफ्ट फ्रॉम निशा विद लव। चीयर्स। एंड जानवी, तुमने मुझे बोर कर दिया है। मेरे परिवार के सारे लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं कि मैं थक गई हूँ इतना प्यार देख के। अब कुछ अलग होगा। अगले 24 घंटों में सबका प्यार तुम्हारे लिए नफरत में बदलेगा। सबकी नजरों में तुम गिरोगी, खास करके मेरी आदि की। हाँ तो फिर बस तेरा नेहा की गोद भराई में निशा शामिल नहीं होगी। नेहा, थैंक यू जो तुम अपनी गोद भराई की रस्में मुझे करने दे रही। हम आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। गोद भराई के दिन बच्चे की माँ को ही नहीं, बच्चे के पापा को भी बड़ा सा गिफ्ट मिलना चाहिए। इसलिए आप और जानवी दोनों मिलकर हमें एक बड़ा सा गिफ्ट देंगे। हमने सोच लिया, तुझे जो चाहिए ले ले, सब कुछ तो तेरा है राज। काकी मैम, वो मैं फोन डायरी लेकर आती। जानवी और आदि, कल गोद भराई के दिन मैं तुम्हारे रिश्ते में इतनी दरार पैदा कर दूंगी जिसे भर पाना तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कल जिंदल परिवार को पता चलेगा निशा को दर्द देना क्या होता है, क्योंकि कल ये सारा परिवार मातम में डूबा होगा। Thank you.
जानवी, मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ, तुम पियोगी ना? निशा, इधर आओ, कम है, पानी पी लो। लिसन, एक बार चीनी मिनी स्कूल चले जाए, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। ओके, प्लीज प्लीज आज डॉक्टर की बातें मत करो। आज नेहा की गोद भराई है, मैं ऐसे शुभ दिन पर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। पर तुम्हारी हालत? मेरी हालत तो ऐसी रहेगी ना जानवी, भगवान ने दिया था मुझे मौका माँ बनने का, लेकिन छीन भी लिया। कम से कम नेहा की गोद भराई की खुशियों में मैं थोड़ी सी खुशियां अपने लिए भी बटोर लूंगी। इस सब के बीच में मैं कैंसर को नहीं आने दे सकती। बस कुछ ही तो पल रह गए मेरे पास खुश होने के, मुझसे ये पल मत छीनो। ठीक है, बट प्रॉमिस करो कि नेहा की गोद भराई तक तुम अच्छे से रेस्ट करोगी। हाँ, मैं जरा अंदर जाती हूँ। मुझे किसी भी तरह सबको मनाना होगा कि निशा गोद भराई में शामिल हो सके और सारी रस्में उसके हाथों से हो। हाँ हाँ, मेरी गोद भराई है और आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ आना है। हाँ, लेट नहीं होना। ठीक है, आई सी यू, बाय। अरे जानवी भाभी, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। चलिए जल्दी बताइए, इन तीनों साड़ियों में से मैं कौन सी पहनूं? वैसे तो मैंने राज को कहा था कि एक ही साड़ी ले आए, लेकिन वो बेबी को लेके इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि मुझे कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रहे हैं। भाभी भाभी, बताइए ना कौन सी पहनूं? ये वाली, ये बहुत अच्छी है, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, यही पहनो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक मिनट में निकाल दिया। वर सो लकी कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है। नहीं, लकी तो मैं हूँ कि इस घर में सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? आखिर दिल तो वही ढूंढता है जो हमें अपना लगे, है ना? भाभी, आपने भैया की जिंदगी में आकर उनकी लाइफ को एक नया मतलब दे दिया है। इनफैक्ट हम सबको, आपने चिन्नी बिन्नी का ध्यान इतने अच्छे से रखा है और ये सब आप इसलिए करती हैं क्योंकि आपका दिल बड़ा है। और किसी अपने के लिए उसकी जगह तो हमारे दिल में ही होनी चाहिए ना? बिल्कुल, दिल ढूंढता है कि रावी के जैसे। आपने देखा भाभी, जी टीवी पर उसके प्रोमोस भी आने लग गए। आई एम वेरी एक्साइटेड, हम दोनों साथ में देखेंगे। ओके, डन। नेहा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना। क्या तुम्हारी सारी गोद भराई की रस्में निशा कर सकती है? तुम जानती हो ना कि उसकी तबीयत कितनी खराब है, एंड डॉक्टर ने स्पेसिफिकली कहा है कि उसे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। वो तुम्हारी गोद भराई को लेकर इतनी एक्साइटेड है, अगर उसे पता चलेगा कि हम उसे गोद भराई से दूर रख रहे हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा। एंड यू नो, अगर स्ट्रेस हुआ तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, राइट? और नेहा की गोद भराई गलत हाथ से हो, ये मैं होने नहीं दूंगी। क्या हो गया है तुम्हें? नेहा के मन का ख्याल नहीं तो कम से कम रीति रिवाज का तो ख्याल रखा करो तुम। काकी मैम, आई एम सो सॉरी, मैं बस ये कह रही थी कि निशा इस घर की सदस्य नहीं है। अगर आज वो इस घर में है तो वो सिर्फ तुम्हारी दया की वजह से है। और भाभी, मेरी गोद भराई पर सारी रस्मों का हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। पर काकी मैम, मैं बस ये कह रही थी कि देखो बेटा,
आज नेहा का दिन है, उसकी गोद भराई, और हर लड़की के लिए ये बहुत खास दिन होता है, और आज वही होगा जो नेहा चाहेगी जी। और वैसे भी हम सबने तय कर लिया है ना कि निशा गोद भराई के वक्त नहीं रहेगी घर में। हे भगवान, कैसी सिचुएशन में फंस गई हूँ मैं। एक तरफ नेहा की खुशी है जो एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है, और दूसरी तरफ निशा जिसकी जिंदगी उसके हाथों में नहीं,